हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो कि पिछली वीडियो में हमने आपको आउटपुट डिवाइस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि मॉनिटर क्या होता है। सो फ्रेंड्स, मॉनिटर का जो पहला टाइप है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, जो कि है CRT मॉनिटर। फ्रेंड्स, CRT मॉनिटर क्या होता है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और इसको किसने बनाया था, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं CRT मॉनिटर क्या होता है। फ्रेंड्स, CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब। फ्रेंड्स, ये मॉनिटर किस काम आता है? ये मॉनिटर काम आता है किसी भी इमेज को या वीडियो को डिस्प्ले कराने के काम आता है। मॉनिटर का काम ये होता है कि हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले कराया जाए इमेजेस। तो इसमें इमेजेस ड्रॉ कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू। फ्रेंड्स, ये पास्ट के दिनों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्क्रीन नाम का ये कंप्यूटर था, पर्सनल कंप्यूटर था, पर अभी इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि LCD LED टाइप के मॉनिटर्स आजकल के मार्केट में आए हैं, इसकी वजह से ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, CRT मॉनिटर का आप डायग्राम देख सकते हो, CRT रे ट्यूब में होता क्या है। इसमें देखो, जो एकदम पीछे लेफ्ट साइड में देख रहे हो, कनेक्टर पिंस होते हैं, ठीक है। ये बेस के साथ कनेक्ट होता है और बेस के बाद आता है इलेक्ट्रॉन गन, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गन से रेस मतलब किरणें निकलती है। और इसके बाद आता है कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद आता है फोकसिंग सिस्टम। फिर ये सब होके जब वाई डिफ्लेक्ट और एक्स डिफ्लेक्ट से ये सबसे रेस होके किस पे जाके पड़ती है, फॉस्फोर इस स्क्रीन पे जाके पड़ती है। ये है जो फॉस्फोर है, यही है CRT मॉनिटर का स्क्रीन। तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है CRT मॉनिटर में, आप डायग्राम में देख सकते हो। फ्रेंड्स, अभी हमने CRT मॉनिटर के बारे में जाना थोड़ा। सो फ्रेंड्स, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि हिस्ट्री क्या है CRT मॉनिटर का, हिस्ट्री ऑफ CRT मॉनिटर। तो फ्रेंड्स, जो CRT है, ये फ्रेंड्स CRT का स्टैंड क्या है, कैथोड रे ट्यूब। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये यूज़ किया क्यों किया गया था, ये यूज़ किया गया था टेलीविज़न, कंप्यूटर मॉनिटर्स और बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में इसका यूज़ किया गया था। फ्रेंड्स, हम बात करें कि इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था जर्मन साइंटिस्ट था कॉल फर्डिनेंड ब्राउन, उन्होंने बनाया था, जो कि आप इनको देख सकते हो स्क्रीन में, कॉल फर्डिनेंड ब्राउन। इनका जन्म हुआ था 6 जून 1885 फुल्डा जर्मनी में, और इनका जो देहांत हुआ था 20 अप्रैल 1918 न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट में इनका देहांत हुआ था। फ्रेंड्स, जो CRT मॉनिटर है, CRT मॉनिटर में CRT का मतलब क्या है, CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब्स। फ्रेंड्स, जो CRT टेक्नोलॉजी है, इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन गन होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करता है, मतलब लाइट को प्रोड्यूस करता है, और वही लाइट हमारे जो हमारे CRT पे स्क्रीन होता है, फॉस्फोर का स्क्रीन होता है, उस पर जाके पड़ती है और इमेजेस क्रिएट करती है, हमारे लिए इमेजेस बनाते, पिक्चर बनाते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि CRT मॉनिटर्स काम कैसे करती है। CRT मॉनिटर्स में आपको पता है इलेक्ट्रॉन गन होता है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को शूट आउट करती है, शूट करती है हाई स्पीड में, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होती है ये जाके कोलाइड करती है किसके साथ, रेड ग्रीन और ब्लू फॉस्फोर जो कि कोट होता है, फॉस्फोर का एक स्क्रीन होता है उसमें। तो जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट होता है बहुत ही स्पीड में, तो इस प्रोसेस से क्या होता है, इमेजेस बनना स्टार्ट होते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। तो यही इस तरह से CRT मॉनिटर वर्क करता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि CRT मॉनिटर्स के एडवांटेजेस क्या है। आपने ये तो जाना है और माना है कि CRT मॉनिटर्स उस टाइम का ग्रेट इन्वेंशन था, क्योंकि उस टाइम कोई स्क्रीन ही नहीं था हमें कुछ देखने के लिए। उस टाइम ये CRT मॉनिटर 1800 शताब्दी में, मतलब 18th सेंचुरी में ये आया था, ठीक है। इसका
जो इन्वेंशन था यही हमारे लिए ग्रेट था। ये बिग और ब्यूटीफुल स्किन के होते थे, ठीक है, थोड़े बल्की होते थे, फेयर बिट ऑफ नॉइस आफ्टर सम टाइम, ठीक है। फ्रेंड्स बात करते हैं कि इसके कितने सारे एडवांटेजेस हैं। आपको ये पता है कि इस मॉनिटर का एडवांटेज ये है कि ये बहुत कम एक्सपेंसिव है, मतलब इसमें कीमत इसकी बहुत कम है। अदर टाइप के जो आप बात करें LCD LED की बात करें उसके कंपैरिजन में बहुत कम कीमत का है, और इसमें जो कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट रेशियो है, बहुत ही हाई है। आप देख सकते हो ब्लैक लेवल्स के जो कंट्रास्ट है इसमें बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से दिखता है। CRT मॉनिटर बहुत ही ज़्यादा इजी है यूज़ करने में। इसको कोई बिगिनर्स या कोई भी इसको बिना ट्रेनिंग के यूज़ कर सकता है, ठीक है, और मास्टर बन सकता है इस पर काम करने में। इसका जो एडवांस यूजर्स इस पर गेम कर सकता है, इसमें वॉक कर सकता है, गेमिंग कर सकता है, वॉक कर सकता है इस पर, ठीक है। वैसे CRT मॉनिटर्स पुराना इन्वेंशन है, मतलब ओल्ड इन्वेंशन, तो इसमें कुछ ज़्यादा एडवांटेजेस बताने लायक है नहीं। बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है इसके। वैसे इसके डिसएडवांटेजेस बहुत हैं, एक एक करके देखते हैं कि अगर हम दूसरे LCD और LED स्क्रीन की कंपैरिजन करें, मतलब उन मॉनिटर्स की बात करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है, थिक है, थिक फ्रेम्स का है, और ये पोर्टेबल नहीं है, मतलब इधर से उधर तक ले जाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन करता, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की खपत करता है। लगभग आप देख सकते हो कि जो LCD स्क्रीन्स होती है, LCD मॉनिटर, तो उसके कंपेरिजन 4 times ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का ये चाहिए होता है इसको। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये जो डिस्प्ले है, हाँ, जो CRT मॉनिटर में जो डिस्प्ले ग्लास है वो ब्रेक होने में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि ये CRT ग्लास ट्यूब है जो कि ब्रेक होने में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ज़्यादा हीट करता है क्योंकि ये CRT टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा हीट करता है, पर जो LCD स्क्रीन होती है वो ज़्यादा हीट नहीं करता। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या है इसमें अलग, और एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जो मॉनिटर है ये आपके जहाँ पर इस मॉनिटर को रहोगे तो ये पूरे डेस्क में अपने जगह ले लेता है, मतलब अगर आप किसी डेस्क पे इसको रखते हो मेज पे तो ये पूरा जगह ले लेता है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, तो आपको आपके मेज पे बाकी जगह नहीं बचेगा जब आप इसको यूज़ करोगे। तो इसको मतलब फिट करना या इसको चलाना, इसको यूज़ करना, रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ट्रैवल नहीं कर सकते इसके इधर उधर ले जाने में बहुत दिक्कत आती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो CRT मॉनिटर जो होते हैं ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है जो कि टाइम के साथ पुरानी होती जा रही है, और इसकी जो इमेज क्वालिटीज है ब्लरी टेक्स्ट आती है, डिसऑर्डर्ड होते हैं, कलर्स इसमें सही से नहीं दिखते हैं। इसके कंपेरिजन अगर हम LCD टेक्नोलॉजी के देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें डिसएडवांटेजेस में कि ये गेमिंग के लिए सही नहीं है, क्यों, क्योंकि हाई एंड फोटो के लिए आपको हाई एंड फोटो एडिटिंग जो सारे काम होते हैं इस मॉनिटर्स में आप नहीं कर सकते हो, कि आपको पिक्चर्स क्वालिटी उतनी सही नहीं दिखेगी क्योंकि कलर्स इसमें ज़्यादा नहीं होता है, आप इसमें गेम नहीं खेल सकते हो, और इसमें रिफ्रेश रेट जो होता है बहुत ही कम होता है CRT मॉनिटर में, मतलब कुल मिला के आप इसमें गेम नहीं खेल सकते हो, हाई एंड फोटो एडिटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है कर सकते हो पर उतनी अच्छे से नहीं कर सकते जितने अच्छे से आप LCD और LED स्क्रीन में कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, इसी टाइप की वीडियो आगे आने वाली है। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।